भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक के बाराबत्ती स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी का निर्णय किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 148 रन बनाए। आपको बता दें कि भारत की तरफ से ईशान किशन ने ताबड़तोड़ 34 रन की पारी खेली, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों में 40 रन का योगदान दिया। अंत में भारत के लिए दिनेश कार्तिक ने 21 गेंदों में 30 रन बनाकर टीम को 148 के स्कोर तक पहुंचाया। वहीं अगर बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की, तो साउथ अफ्रीका की टीम 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। टीम की तरफ से तेम्बा बाउमा और हेंड्रिक्स ओपनिंग करने उतरे। शुरुआत की बात करें तो पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को पहला झटका दिया। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही ओवर में विकेट चटकाया। इसके बाद बात करें भुवनेश्वर कुमार के दूसरे ओवर की, तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी एक बार फिर से की और डेविन प्रिटोरियस को आवेश खान के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन वापस भेजा। आपको बता दें कि डेविन प्रिटोरियस ने पिछले मैच में 13 गेंदों में 29 रन की शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वहीं बात करें अगर पिछले मैच के हीरो राशि वान देर दुशेन की, तो भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड किया और दुशेन 7 गेंदों में मात्र 1 रन बना सके। आपको बता दें कि पिछले मैच में राशि वान दुशेन ने 46 गेंदों में 75 रन की पारी खेल करके टीम को जीत दिलाई थी और डेविड मिलर के साथ शतकीय साझेदारी भी की थी। ऐसे में दुशेन का विकेट भारतीय टीम के लिए अहम माना जा रहा था और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड आउट किया और पवेलियन वापस भेजा। बहरहाल अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका के स्कोर की, तो 10 ओवर में टीम ने 57 रन बनाए और अब टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।